hello children <coughs> welcome to english grammar class do you remember what we have learned in the last chapter we have learned what is sentence sentence means a set or group of words which makes complete sense that means the sentence means a group of words like in ये कंप्लीट मीनिंग इसमें मिल जाता है कंप्लीट मीनिंग जिसमें मिल जाता है वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहेंगे सेंटेंस कहते हैं और फिर हम देखा है सेंटेंस आर सेंटेंसेस आर यूज्ड इन फोर डिफरेंट वेस दैट इज़ स्टेटमेंट्स क्वेश्चन रिक्वेस्ट एंड एक्सप्लेनेशनस इतना हम देखे थे लास्ट चैप्टर में नाउ स्टेटमेंट्स क्या है क्वेश्चन क्या है और रिक्वेस्ट क्या है एक्सक्लेमेशन क्या है वो हम इसी चैप्टर में हम देख लेंगे ठीक है सो फर्स्ट वन एज स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दैट वाट इज़ ए स्टेटमेंट एंड ए क्वेश्चन ओके नाउ वी विल सी दिस डेफिनेशन वॉट इज ए स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट स्टेट्स एंड एक्शन ए फैक्ट और ए हैपनिंग मीन्स स्टेटमेंट मैंने क्या है से सेंडेंस दैट स्टेट्स एन एक्शन ए फैक्ट और ए हैपनिंग ये क्या बताना चाहता है इस सेंटेंस में स्टेटमेंट हमें क्या बताना चाहते हैं एन एक्शन अगर हम कुछ कर दिया है दैनिक जीवन में हम कुछ करते हैं वही बताना चाहते हैं और एक फैक्ट ए रियलिटी साधारण जीवन में कुछ रियलिटी होती है एक फैक्ट होती है वही बताना है और एक हैपनिंग अगर कुछ हो जाता है उसको हम क्या करते हैं हम स्टेटमेंट के रूप में हम करते हैं इट में भी एन अफर्मेटिव और ए नेगेटिव सेंटेंस और इसमें भी दो प्रकार की सेंटेंस होती है वही है अफॉर्मेटिव और ए दो प्रकार की होती है एक अफर्मेटिव होती है और एक नेगेटिव सेंटेंस होती है ना वी विल सी द एग्जाम्पल देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर द वुड कटर वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर वट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस द वुड कटर वॉज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ए वुड कटर लकड़ी काटने वाले क्या करते थे ए रिवर के नदी किनारे क्या करते थे लकड़ी काट रहे था ना? लकड़ी काट रहे थे ए वुड कटर वॉस कटिंग ए वुड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ये कर वुड कटर कुछ कार्य कर रहे हैं है ना कुछ काम कर रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा ये एक्शन के एक्शन में आ जाता है देन सेकेंड वन द अर्थ इज राउंड इट्स ए फैक्ट अर्थ को हम ओवल शेप नहीं रख सकते हैं नहीं, नहीं कर सकते हैं ना और ट्रायंगल नहीं कर सकता है इट्स ए फैक्ट इट्स ए रियलिटी। सो ये इस किस में आएंगे ये फैक्ट में आ जाता है और थर्ड वन आवर सिटी सफर्ड फ्रॉम हैवी फ्लड्स दिस ईयर हमारा सिटी हेवी फ्लड्स में क्या हो गया है एकदम ये बाढ़ से पीड़ित है इसी साल हमारा सिटी बाढ़ से पीड़ित है ये कुछ हैपनिंग है है ना तो ये स्टेटमेंट के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं ये कुछ एक्शन हम स्थापित कर सकता है कुछ रियलिटी स्थापित कर सकता है और कुछ साधारण जनजीवन में क्या होता है वही हम स्थापित कर सकता है तो ये सभी में कैसा वाला सेंटेंस हम यूज़ करना है ये स्टेटमेंट के द्वारा ही हम इसको लिखना है ये सब हम लिखने में हम इसको हम क्या कहेंगे ये सेंटेंस स्टेटमेंट है हम बोल देंगे ठीक है दी अब सेंटेंसेस स्टेट्स एंड एक्शन ए फैक्ट एंड हैपनिंग रेस्पेक्टिवली सो दे आर स्टेटमेंट्स ए स्टेटमेंट एंड्स विथ ए इन ए फुल स्टॉप तो स्टेटमेंट हम लिखने में हम क्या क्या ध्यान रखना है स्टेटमेंट शुरू करता है स्टेटमेंट केवल नहीं सभी सेंटेंस शुरुआत कैसे हैं कैपिटल लेटर से सभी सेंटेंस हम कैपिटल लेटर से शुरू करना है और अंत कैसे करना है अंध अगर स्टेटमेंट है तो हम क्या करना है फुल स्टॉप डालना है सभी सेंटेंस का अंदर एक ही जैसे नहीं है तो अगर स्टेटमेंट है तो हम कुछ रियलिटी बोलते हैं हम कुछ एक्शन है, के बारे में हम बोलते हैं कुछ हैपनिंग के बारे में बोलते हैं तो उसी को वो सेंटेंस को हम अंध करने में हम कैसे करना है फुल स्टॉप डाल के अंध करना है और बिगिनिंग विद कैपिटल लेटर Don't forget that every sentence begin with a capital letter or ends with a full stop. That we will, will have to keep in your mind. Our ending may will be in different ways. Okay, that we will see. Now, statements declare or assert something. They are known as declarative or assertive sentences. Also, our हमारा स्टेटमेंट की अलग अलग नाम है उसको कौन सा कौन सा नाम में ये हम बोल सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं तो तीन प्रकार में हम इसी को हम समझना है डिक्लेरेटिव असर्टिव एंड स्टेटमेंट बोलना से एक ही चीज़ से आगे बड़ा क्लास में आप लोग जाने से ये ये डिक्लरेटिव सेंटेंस कभी कहीं कहीं डिक्लरेटिव कही, सेंटेंस बोलेगा और कहीं कहीं असर्टिव सेंटेंस बोलेगा कुछ भी हो हम समझना है ये एक स्टेटमेंट है कुछ स्थापित करते हैं और कुछ हुआ है वही हम लिखते हैं वही है इसमें आ जाते हैं ठीक है तो इतना हम समझना चाहिए ये स्टेटमेंट कहने दो यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो यानि किसटिव सेंटेंस बोलो हमें जानकारी होना चाहिए हमको पता होना चाहिए जल्दी से ये स्टेटमेंट है ठीक है नाउ क्वेश्चंस सेकंड वन इज़ क्वेश्चन से ए क्वेश्चन इज ए सेंडेंस डैट आस्क समथिंग एस व्हाट कलर इज द स्काई वर्ड यू हेल फ्रॉम हाउ आर यू फीलिंग नाउ इज द अर्थ राउंड और फ्लैट क्वेश्चन बोलने से हमें ये जल्दी से याद आना चाहिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कुछ पूछता है कोई हमसे कुछ पूछ लेता है और ये क्वेश्चन एंड करना है क्वेश्चन मार्क से देखो ये फोर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है और शुरुआत कैसे किया है शुरुआत कैपिटल लेटर से ही किया हुआ है है ना यू सी द डिफरेंस क्वेश्चन ऑल द जिस सेंटेंसेस आर एंड विद अ क्वेश्चन मार्क एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर है ना इतना तो आप याद करके रखना है क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन मार्क चाहिए और कैपिटल लेटर चाहिए ठीक है और ईच ऑफ दिस फोर सेंडेंस सेंडेंसेस इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमसे पूछते हैं व्हाट कलर इज द स्काई स्काई का रंग क्या है वर्ड यू हेल फ्रॉम आप कहाँ रहते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ अब अभी आपको कैसे लिखता है और इज द अर्थ राउंड और फ्लैट अर्थ राउंड है कि फ्लैट है दे आर नोन एज इंरोगेटिव सेंटेंस एन इंगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंडस इन ए क्वेश्चन मार्क इसको ये क्वेश्चन का सेंटेंस ये दूसरा नाम है इंटरगेटिव सेंटेंस सो इनिटिव सेंटेंस हम सुनने से हमें याद आना चाहिए ये क्या कहना चाहते हैं इसको क्वेश्चन सेंटेंस को क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस को क्या कहते हैं इंरोगीटिव सेंटेंस कहता है अंडरस्टूड नो इतना तो आपको क्लियर है वॉट इज स्टेटमेंट एंड वॉट इज क्वेश्चन स्टेटमेंट की महीने क्या है हम देख लिया है स्टेटमेंट की महीने क्या है स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट स्टेट्स एन एक्शन ए फैक्ट और ए हैपनिंग इट मे बी एन अफोमिव और ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट के दूसरा दूसरा नाम क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस देन स्टेटमेंट भी कितने प्रकार होती है अफॉर्मेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस है ठीक है और आगे क्वेश्चन क्वेश्चन वाला सेंटेंस को क्या क्या, क्या, क्या दूसरा नाम क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलने से हमें जल्दी से याद आना चाहिए ये क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है और ये अंध कैसे करते हैं क्वेश्चन मार्क् से सभी सेंटेंस हम ये शुरुआत कैसे करते हैं शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं अंध करते हैं अंध में कुछ को, को, कोई कोई सेंटेंस फुल स्टॉप के द्वारा कोई कोई सेंटेंस ये क्वेश्चन मार्क के द्वारा दे इसी क्लास में हम लोग बस दो ही प्रकार का फोर काइंस आर देर दो प्रकार का सेंटेंस हम देखा है फर्स्ट वन क्या है डिकलटिव सेंटेंस कुछ स्टेटमेंट है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है वो कुछ स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट बोलता है है ना और कुछ आ, फर, ये फैक्ट को कुछ रियालिटी को कुछ एक्शन को हमारे सामने रखता है और सेंटेंस मैंने क्या है क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस को इंरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है नहीं होने से पूरा कन्फ्यूशन हो जाएगा चार टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर फोर काइंड्स ऑफ फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट यानी कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस और सेकेंड वन इज क्वेश्चन यानी कि इंडरोगेटिव सेंटेंस क्लियर देन नाउ योर होमवर्क इज दसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विध ए क्वेश्चन मार्क इफ द गिवन सेंटेंस इज ए क्वेश्चन और फुल स्टॉप इफ इट इज ए स्टेटमेंट क्या करना है अगर क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है तो हम क्या करना है क्वेश्चन मार्क्स डालना है क्वेश्चन मार्क डालना है अगर ये स्टेटमेंट है तो हम क्या करना है फुल स्टॉप डालना है बस वही केवल वो ब्लैंक वाला जगह में उतना ही बस लिखना है क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क डालना और फुल स्टॉप डालना ठीक है सो चिल्ड्रेन नाउ आई स्टॉप हियर आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ओके थैंक यू